Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Parvez Mehman Ansari, aap subhi loka, Vidyut Jamwal ki film Crack and Yami Gautam ki film Article 370 ke day number 2 ke box office collection episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? To bhaiya, pehle din to 99 ne aap sabhi logo ko bacha liya, lekin aaj kya hoga? Isliye hum yahan par aaye hain. Well friends, फर्स्ट डे सिनेमा लवर्स डे यानी कि 99 रुपीज पर टिकट के ऑफर ने इन फिल्मों को एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल ओपनिंग डे जो है वो दिलाई. इनफैक्ट आर्टिकल 372 का ब्लाइंडर, ऐसी ओपनिंग डे किसी ने एक्सपेक्ट की नहीं थी. इवन फॉर क्रैक जो कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास की ट्रेंडिंग कर रही थी, तो आज से जो कलेक्शंस आएंगे वो इन फिल्मों के रियल कलेक्शंस होंगे, क्योंकि आज 99 का ऑफर नहीं है एंड 99 था इसीलिए पब्लिक आई थी या फिर फिल्में वाकई में उनको एक्साइट कर रही थी. तो ये आज से पता चलेगा. असलियत कहूं 100 बात की एक बात, कल जितना फिल्म कमाई थी ना आज उतना कमाना है, तभी जाकर उसको एक बाप लेवल का होल्ड कहा जाएगा. कल से ही ड्रॉप ले लेगी 10%, देयर विल बी नो कम बैक फॉर द फिल्म. आई मीन दोनों में से कौन लुड़की है एंड कौन खड़ी है ये आज के एपिसोड में डिसाइड हो जाएगा. इसी नोट पे आज के एपिसोड शुरू करते हैं. सबसे पहले आर्टिकल 370, द वर्ड ऑफ माउथ फॉर दिस फिल्म इज फायर, क्योंकि ये फिल्म फायर है मेरा भाई, लिटरली बोल रहा हूं. कोई भी व्यक्ति इस फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर निराश नहीं आने वाला है. प्रॉपर फिल्म मेकिंग, एक्सलेंट सिनेमाटोग्राफी, सुपर्ब स्क्रीन प्ले, सुपर्ब, कीप्स यू ग्रिप्ड. इवन द पार्लियामेंट सेशंस जिस तरह से शूट किया गया है, जिस तरह की डायलॉगबाजी की गई है, द एक्टर्स, ब्रिलियंट फिल्म, अ मस्ट वॉच फिल्म, लैंडमार्क फिल्म होगी हमारे इंडस्ट्री में. एंड गाइस पहले दिन प्रेडिक्शन था कि 5.5 से 6 करोड़ की कमाई करेगी, लेकिन कल रात की ऑक्यूपेंसी बढ़ी. इसी का कारण है द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर आर्टिकल 370 ऑन इट्स फर्स्ट डे 6.12 करोड़, 6.12 करोड़ का ऑफिशियल फिगर जो है मेकर्स ने यहाँ पर दिया है हमारे सामने. अब बात करते हैं डे नंबर 2 की. डे नंबर 2 आर्टिकल 370 मॉर्निंग 12%, आफ्टरनून 23% एंड इवनिंग 29%. सबसे बड़ी उपलब्धि इस फिल्म की ये होती है कि जुम्मा फ्राइडे के बाद सैटरडे आपके शोज बढ़ाए जाए. दिस शोज द फेथ ऑफ द एग्जिबिटर्स इन द फिल्म. कल मुंबई में 590 थे, आज 619 शोज है, 34% की ऑक्यूपेंसी. दिल्ली एनसीआर में 646 से 672 कर दिया है. आई थिंक इस फिल्म को जल्द से जल्द टैक्स फ्री जो है वो कर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस फिल्म को देख सके. 32% की ऑक्यूपेंसी है. पुणे 191 शोज से 210 शोज कर दिए, 44% की ऑक्यूपेंसी. नमो बेंगलुरु 268 से 277, 34%. हैदराबाद 163 से 170, 30%. कोलकाता 147 से 150, 24% ऑक्यूपेंसी. अहमदाबाद रियल हैप्पी 341 से 361 शोज है, 19%. एक्सेलेंट लखनऊ 116 से 124 कर दिया है, 15% की ऑक्यूपेंसी है. सूरत 178 से 188, 10%. ये फिल्म अब रुकने का नाम नहीं ले रही है एंड आज ये फिल्म कल से ज्यादा पैसा कमा रही है. दिस इज कमिंग एज अ शॉकर. अभी रात को 9 बजे फिल्म 6.5 करोड़ रुपए कमा चुकी है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटरडे है, आई एम गिविंग अ बोल्ड प्रेडिक्शन टुडे, 7 से 7.5 करोड़, मिनिमम टू मिनिमम 7 करोड़ तो आना ही है. ऑन द पॉजिटिव साइड 7.5 करोड़ कमाती है इन 2 दिनों में आर्टिकल 370 13.62 करोड़ कमाई जो है कर लेगी. अब बात करते हैं हम लोग क्रैक, विद्युत जमवाल क्रैकिंग परफॉर्मेंस, मैसिव एक्शन. लिटरली बोल रहा हूं, विद्युत ने एक्शन को एक अलग लेवल पर लेकर गया है. यू नो हॉलीवुड की फिल्में टाइम पास डेढ़ डेढ़ घंटे की पिक्चर देखकर लिटरली ना एक ऐसा सुख प्राप्त करते थे कि बाप रे बाप क्या देख लिए, वही हमारे देश में अटेम्प्ट हो रहा है एंड वी शुड रियली गो एंड वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन, मैसिव. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले दिन के बाद दूसरे दिन फिल्म गंदा लुड़की है. अब लेट्स सी रात को ये लुढ़क के वापस से उठती है या फिर खत्म हो जाती है, ये कल सुबह पता चलेगा. तो क्रैक डे नंबर 1 प्रेडिक्शन वाज 4 to 4.25 करोड़ एंड द ऑफिशियल कलेक्शन इज 4.11 करोड़. ग्रॉस होता है 4.88 करोड़ एंड ओवरसीज फिल्म ने कमाया 85 लाख रुपीज. इसी के साथ पहले दिन उस फिल्म ने विश्व भर में 5.73 करोड़ की कमाई जो है कर ली है. तो 4.11 करोड़ से हमारा मतलब है इंडिया नेट का, उसी पे आगे बढ़ेंगे. तो क्रैक डे नंबर 2 मॉर्निंग जस्ट 9, आफ्टरनून 10 एंड इवनिंग 13. द ऑडियंस हैज रिफ्यूज टू गो एंड वॉच क्रैक, विच इज सैड.
लिटरली बोल रहा हूँ, क्रैक को ऑडियंस जो है दूसरे दिन मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट शोज भी कम कर दिए हैं। मुंबई में 438 से 425, 12% ऑक्यूपेंसी है। पुणे 141 से 136, 14%। दिल्ली एनसीआर 689 कल था, आज 688 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट ऑक्यूपेंसी इज जस्ट 10। बात करो हैदराबाद की, 156 से 158, 10%। नवा बेंगलुरु 226 से 222, 21%। कोलकाता कल भी 155 था, आज भी 155 है, 14% की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद 307 से 319, 10% की ऑक्यूपेंसी है। बट चेन्नई में स्ट्रेट 59 से 42 कर दिया है, 44% विच इज गुड ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 151 कल था, आज 151 है, 10% की ऑक्यूपेंसी है। यानी कि माई प्रोडिक्शन फॉर विद्युत जम्वाल्स क्रैक ऑन डे नंबर 2, 9 बजे तक इस फिल्म ने यहां पर सिर्फ 2 करोड़ कमाई की है। यस, इसका मतलब शॉकर, कल इसने 4.11 करोड़ कमाया था। आइडियली चलो 10% का ड्रॉप इनको दे देते हैं, 3.5 से 3.7 करोड़ तो कमाना ही चाहिए था, फिल्म कुडंट मैनेज दैट। अभी बहुत ही दुख लग रहा है बोलने के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत गई है ना इस फिल्म के पीछे, एंड एक्शन शूट करना आसान नहीं है गाइस। यानी क्रोमा पे शूट नहीं हुआ था, स्टूडियो में बॉडी डबल लेकर यू नो एक एक डेढ़ डेढ़ साल का VFX लगाकर वैसा शूट नहीं हुआ था, लाइव एक्शन शूट हुआ था। बहुत मेहनत लगती है। आई थिंक एक दिन आएगा जब हम बैठ के बोलेंगे हाँ विद्युत जम्वाल नाम का एक एक्टर था हमारी इंडस्ट्री में, इतना अच्छा एक्शन करा करता था, वी डिडंट रिस्पेक्ट हिज एक्शन। लिटरली वक्त आएगा तब तो बहुत लेट हो जाएंगे, यू नो वही पूरा VFX AI वाला एक्शन चलता रहेगा यहाँ पर। तो गाइस आज ये फिल्म मैक्स टू मैक्स 2.5 करोड़ रुपया कमाते हुए दिखाई दे रही है, विच मीन्स कर्टन्स फॉर द फिल्म ऑन इट्स सेकेंड डे। एंड ऐसा हुआ तो पहले दिन 4.11, दूसरे दिन 2.50, इसी के साथ फिल्म ने 6.61 यानी कि 6.61 करोड़ जो है 2 दिन में कमाते हुए दिखाई दे रही है। संडे से कैसे भी जंप मारकर 4 करोड़ कमाई जो करनी पड़ेगी, एंड मंडे से अगर ये 1+1 का ऑफर रखती है देन गाइस डेफिनेटली से कलेक्शंस में जो है वो मदद करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रैक इज अ लॉस्ट कॉज, फॉलिंग एट द बॉक्स ऑफिस मिजरेबली ऑन डे नंबर 2। लेट्स सी गाइस, 3 घंटे है, 10, 11, 12, अगर 3 करोड़ तक तो पहुंच जाएगी तो फेस सेविंग होगा, वरना 2.5 करोड़ इज अ बैड नंबर ऑन इट्स सेकंड, जो कि नहीं करना चाहिए था। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, दोनों फिल्में एंजॉय कीजिए। कल संडे है, जाइए अपने भैया नजदीक के सिनेमाघरों में, आनंद लीजिए इस फिल्मों का। ओके तो अगले हफ्ते 3 पिक्चर है, हाँ कागज 2 है, दंगे है, एंड लापता लेडीज है, 3 पिक्चर है। तो लेट्स सी तीनों में से कौन सी फिल्म अच्छा कमाई करती है, शोज कितने होते हैं दोनों के, मतलब आर्टिकल 370 को तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो लंबा चलेगी, वो शैतान आने के बाद भी चलेगी, योद्धा आने के बाद भी चलेगी, वो ईद तक चलेगी, इतनी बड़ी पिक्चर होने वाली है वो। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।